देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,425 नए कोरोना के मामले आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 11 लाख के पार। 7 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक 27,497 लोगों की हो चुकी है मौत। आज एक बार फिर मोदी सरकार पर बरसेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चीनी घुसपैठ पर एक वीडियो जारी करेंगे राहुल। कहा सीमा के मसले पर सरकार ने फैलाया भ्रम। चीन मुद्दे पर केंद्र को लगातार घेर रही है कांग्रेस। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच आज का दिन बेहद अहम। सचिन पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वेब उल्लंघन के मामले में दिए गए नोटिस के बाद कोर्ट पहुंचा था मुद्दा। पश्चिम बंगाल में फिर गरमाई सियासत। आज दिनाजपुर में दुष्कर्म और मर्डर के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी आज 1100 मंडलों में करेगी प्रदर्शन। ममता सरकार को जमकर घेरेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का किया आग्रह। कहा किसान विरोधी अध्यादेश वापस ले केंद्र सरकार। 5 जून को केंद्र ने जारी किया था अध्यादेश। गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला गिरफ्तार। विकास और उसके गैंग की मदद करने का है आरोप। जय वाजपेयी की संपत्ति की जाँच कर रही है ईडी। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया आज से शुरू। 7 अगस्त तय की गई है ऑनलाइन एडमिशन की आखिरी तारीख। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड की आज होगी ऑनलाइन बैठक। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन पर हो सकता है फैसला। बीसीसीआई को T20 विश्व कप टलने की उम्मीद। कोरोना वायरस के चलते खेल पर पड़ रहा असर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर हुए तबाह। पानी के बहाव में 3 लोगों की मौत। 9 लोग अब भी लापता। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिनों तक भारी बारिश बन सकती है परेशानी का सबब। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ का कोहराम जारी। कामरूप और मोरीगांव में फंसे हजारों लोग। प्रशासन ने चलाया बचाव अभियान। लोगों को निकालने की कोशिश तेज। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 6 लाख के पार। 1,44,00,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। सिर्फ अमेरिका में ही कोरोना ने ली 1,40,000 लोगों की जान। कनाडा के टोरंटो में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर चीन के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। तिब्बत हांगकांग को मुक्त करने सहित लद्दाख का उठाया मुद्दा। कनाडा में चीनी सामानों का बहिष्कार करने का भी किया आग्रह। यूएई का पहला मार्स मिशन होप जापान से किया गया लॉन्च। लाइव फीड में रॉकेट मानव रहित जांच करते हुए दिखाया गया। अगले साल फरवरी में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में सुनवाई फिर से शुरू। पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और घूस लेने का है आरोप। नेपाल में गहराया सियासी संकट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अड़ा पुष्प कमल दहल प्रचंड का ग्रुप। दोनों दिग्गजों के बीच 4 घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हुआ लागू। घटिया सामान बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा। 6 महीने की जेल या देना पड़ सकता है 1,00,000 रुपए का जुर्माना। आयकर विभाग आज से टैक्स पेयर्स को जागरूक करने के लिए चलाएगा एक ई अभियान। समय से टैक्स जमा नहीं करने वालों को किया जाएगा जागरूक। आयकर विभाग 31 जुलाई तक चलाएगा अभियान। बीजेपी ने किया बड़ा दावा। कोरोना काल में निवेश के लिए सबसे मुफीद बना भारत। अप्रैल से जुलाई के बीच वैश्विक स्तर के निवेशकों ने करीब 1500 अरब का किया निवेश। पेट्रोलियम कंपनियों ने फिर की डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आज भी डीजल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर हुआ इजाफा। दिल्ली में डीजल 81.64 रुपए पर पहुंचा। पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़त नहीं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त पर शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 239 अंक ऊपर 37,259 के स्तर पर खुला। निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ 10,968 के स्तर पर खुला।